अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने चले हैं टेबल ट्रिक्स की। अब ये टेबल ट्रिक क्या है? बहुत आसानी से आप लोग मोर देन 12 टेबल्स सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको याद है 2 से लेकर 9 तक के टेबल्स, तो 12 टिल 19 आपके लिए बहुत ही आसान है। 11 क्योंकि सबको आता है, 1 का टेबल सबको आता है, और जैसे तैसे करके 2 से लेके 9 तक के सारे टेबल्स हम याद कर लेते हैं। और कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट बच्चा होता है तो उसको 11 और 12 का टेबल भी आता है। बट एग्ज़ाम्स के टाइम पे हम फंस जाते हैं आगे के टेबल्स के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? मैं लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्ती ट्रिक। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मज़ेदार और ट्रिक्स देखते रहिए। तो करना क्या है, हमारे पास जब 12 का टेबल है तो बेसिकली हमारे पास 12 वनसा क्या होगा, 12 जो कि सबको आता है। अब 2 जो है ये यूनिट प्लेस पे है और 1 जो है ये टेंस की प्लेस पे है। तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास मतलब इस 2 के नीचे जितने भी नंबर्स आएंगे वो हमारे पास चलेगा 2 का टेबल। लाइक 2 वनसा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, 2 फोर ज़ा 8, 2 5 10 का 0 आएगा, सिर्फ क्योंकि मैंने बात की है सिर्फ यूनिट प्लेस की, ठीक है। 2 6 12 का 2 जो कि यूनिट प्लेस पे है, 2 7 14 का 4, 2 8 16 का 6, 2 9 18 का 8 और 2 10 20। अब यहाँ तक तो मेरे पास आ गया 2 का टेबल, इसलिए 12 के लिए। अब 12 को बनाने के लिए, इस 2 के टेबल को 12 का टेबल किस तरह से बनाया जाएगा, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें देखना है हर 0 से लेके 9 के बाद जब भी काउंटिंग रीस्टार्ट होगी तो हमें क्या करना है, एक नंबर करना है स्किप, ठीक है। क्या करना है हमें, 0 से लेके 9 तक की काउंटिंग है, जैसे ही 9 के बाद दोबारा से आपके पास कोई नंबर आएगा तो आपको काउंटिंग रीस्टार्ट करनी। जैसे मेरे पास ही चल रहा है 2 4 6 8। अब इस 8 के बाद से मेरे पास काउंटिंग दोबारा से स्टार्ट हो गई, दोबारा से मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया, 9 तो था ही नहीं। तो मैं इस 1 के बाद लिखूँगी यहाँ पे 2 3 4, और इस 4 के बाद अब मुझे एक नंबर करना है स्किप। क्यों स्किप करना है? क्योंकि मेरे पास काउंटिंग हो रही है दोबारा से स्टार्ट। तो 4 के बाद आता है 5 और हम यहाँ लिखेंगे 6। अगेन 0 2 4 6 8, और यहाँ पर जाके मेरे पास क्या हो रही है, काउंटिंग दोबारा से स्टार्ट। तो 6 के बाद आ गया 7 8 9 10, और यहाँ पे स्किप एक नंबर करेंगे 11 और क्या लिखेंगे 12। ये हो गया हमारे पास टेबल ऑफ 12। अब आ जाते हैं टेबल ऑफ 17 पे। इसी तरह से टेबल ऑफ 13 14 15 16 17 18 19 सेम वे में चलेंगे आपके पास, ठीक है। अब आ जाते हैं 17 के टेबल के ऊपर, जो कि देखने में और याद करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। चलो 12 का आसान होता है, सब कर लेते हैं। इसी तरह से 13 है, 14 है, कोई सा भी टेबल है वो बहुत ही आसान होते हैं, हम लोग याद कर लेते हैं। बट 17 तक कौन चाहता है यार, 17 का टेबल याद नहीं कर सकते हम। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व कर देंगे इसको भी। 17 1 17, सिमिलरली 7 जो है वो यूनिट प्लेस पे है और 1 जो है वो टेंस के प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस पे चलेगा हमारा पूरा 7 का टेबल। 7 1 7, 7 2 14 का 4 आ गया, क्योंकि 14 का 4 क्या है, यूनिट प्लेस पे है। 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 एंड 7 10 70। अब यहीं पे देख लिया जाए, मैंने बात की 0 से लेके 9 तक का टेबल आएगा, उसके बाद हमें काउंटिंग क्या करनी है, रीस्टार्ट करनी है। तो 0 से लेके 9 तक का तो पहला नंबर आ गया मेरे पास 7, 7 के बाद वापस से छोटा नंबर आ गया, मतलब टेबल आपका रीस्टार्ट हो गया, काउंटिंग आपकी रीस्टार्ट हो गई। तो एक लाइन मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब 4 के बाद वापस से वही वाला काम हुआ, 7 के बाद 4 छोटा नंबर, 4 के बाद 1 अगेन छोटा नंबर, तो एक काउंटिंग मेरे पास, एक नंबर स्किप मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। 1 के बाद 5 आए, 1 के बाद 8 आया, मीन्स ये आपके पास काउंटिंग सीधी चल रही है, छोटे नंबर के बाद बड़ा नंबर आ रहा है। अब अगेन बड़े नंबर के बाद छोटा नंबर आएगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक नंबर स्किप। सिमिलरली अगेन
एक बड़ा नंबर है, उसके बाद एक छोटा नंबर आ गया, तो अगेन इस पॉइंट पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर स्किप, टू के बाद नाइन, छोटे नंबर के बाद बड़ा नंबर आया, मीन्स हमारे पास अगर ग्रेटर नंबर के बाद स्मॉलर नंबर आना है तो हम क्या करेंगे, स्किप वन नंबर, या तो आप कह लें ज़ीरो से लेकर नाइन के बाद से रीस्टार्ट होगी काउंटिंग, या फिर आप कह लें ग्रेटर के बाद स्मॉलर आ रहा है, ग्रेटर के बाद अगर स्मॉलर नंबर आ रहा है तो भी आपको क्या करना है, एक नंबर स्किप करना है। टू के बाद नाइन आया है और नाइन के बाद सिक्स आया, ग्रेटर के बाद स्मॉलर, मीन्स यू हैव टू स्किप अ नंबर ओवर हियर। फिर सिक्स के बाद थ्री है, तो सिक्स के बाद थ्री है तो आपको एक नंबर और स्किप करना है, और फिर थ्री के बाद ज़ीरो है, मीन्स यहाँ पे भी नंबर स्किप करना है। अब टेबल फॉलो कर लेते हैं, लाइंस इसलिए बना रही हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर समझ में आए, और आप चाहें तो आप भी लाइंस बना के इस ट्रिक को अपने पास लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर कैलकुलेटर्स तो अलाउ नहीं होते, हाँ लेकिन रफ्फर्ट ज़रूर अलाउ होता है, और हमेशा अपनी कॉपी का, अपनी आंसर शीट का, एग्जामिनेशन आंसर शीट का लास्ट पेज रफ पेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप ये टेबल्स लिख सकते हैं। ठीक है, वन के बाद टू स्किप करा क्या आएगा, थ्री, थ्री के बाद फोर स्किप करा आएगा हमारे पास फाइव, और ये सिक्स कंटिन्यूटी में, क्योंकि वन के बाद एट आया है जो कि आपके पास स्मॉलर नंबर है, ग्रेटर नंबर है, स्मॉलर नंबर के बाद ग्रेटर नंबर आ रहा है। फिर सिक्स के बाद सेवन स्किप करेंगे क्योंकि लाइन है, और यहाँ लिखेंगे एट, क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर के बाद स्मॉलर आ रहा है, बड़े नंबर के बाद जब भी छोटा नंबर आएगा हमारे पास तो हमें क्या करना है, एक नंबर स्किप करना है। क्यों एक नंबर स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ये टेबल्स चल रहे हैं टेंस वाले, अगर ये ट्वेंटीज़ वाले होते, थर्टीज़ वाले होते तो उसकी स्ट्रैटेजी आपके पास थोड़ी सी डिफरेंट होती। ठीक है, एट के बाद फिर ये एक लाइन आ गई है, तो मेरे पास नाइन स्किप होके टेन, देन इलेवन, फिर ये लाइन आ गई है मेरे पास विच शोज़ कि मुझे एक नंबर स्किप करना है, थर्टीन, देन फिफ्टीन, एंड देन 17। देखिए आखिर में जाके आपके पास खुद ही रेक्टिफाई हो गया, ये चीज़ वेरीफाई हो रही है कि आपने टेबल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, क्योंकि टेंस या टेबल किसको नहीं आता भाई, 17 टेंस है 170 होगा, 12 टेंस है 120 होगा, 19 टेंस है 190 होगा, तो ये तो बहुत ही आसान सी बात है, आपका टेबल खुद ब खुद सॉल्व होता चला जाता है, या फिर आप चाहें तो 5 के टेबल के हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 का टेबल बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, चाहे वो 5 टेंस हो, 5 ट्वेंटीज हो, 5 थर्टीज हो, या 5 हंड्रेड्स हो, हर कोई 5 नंबर्स ऐड करके उस तक पहुंच ही जाता है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टेबल, 19 वनजा 19, अगेन ये यूनिट प्लेस, और ये आपके पास आ गई टेंस की प्लेस, तो यूनिट प्लेस पे चलेगा पूरा का पूरा आपके पास 9 का टेबल, और 9 का टेबल वो वाली ट्रिक तो पता है ना भाई, कि 9 के टेबल में सारे नंबर एक दफ़ा उल्टे लिखे जाते हैं और एक दफ़ा सीधे, कैसे, ये 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये तो सिंपल 9 की ट्रिक है मेरे दोस्त, और अगर ये 9 का टेबल होता तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 आता, बट हम अभी सॉल्व कर रहे हैं 19 का टेबल, तो यहाँ पे होने वाला है कुछ डिफरेंट। अब मेरे पास इस तो पूरे टेबल के अंदर हर बड़े नंबर के बाद छोटे नंबर है, विच मीन्स कि मुझे हर एक पॉइंट के ऊपर अपना एक एक नंबर स्किप करना है, मतलब 9 का टेबल जिस तरह से बहुत ही आसान था, वैसे ही 19 का टेबल भी बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे हर एक टेबल के बाद, हर एक नंबर के बाद जो है वो स्किप करना पड़ रहा है। 1 के बाद स्किप करा 2, 3, 3 के बाद स्किप करा 4, 5, 5 के बाद स्किप करा 6, 7, 7 के बाद स्किप करा 8, 9, 10 स्किप, 11, 12 स्किप, 13, 14 स्किप, 15, 16 स्किप, 17, 18 स्किप, एंड 19, तो 19 टेंस आ 190। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जुड़े रहें आगे की और इसी तरह से मज़ेदार सी ट्रिक्स के लिए और नई नई चीज़ें सीखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।